हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अगर आपके पास बचत है 10 लाख की, 5 लाख की, 2 लाख की, तो वो पैसा आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये मैंने आपको जानकारी दे दी है इस वीडियो में, तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है और आप चाहते हैं कि मुझे पैसा कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा रखना है, तो आपको कौन से बैंक में रखना चाहिए जहाँ पर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, और आप जिस भी बैंक में जमा कर रहे हैं तो आपका पैसा सिर्फ जमा ना रहे, पैसा आपका बढ़े भी। अब दोस्तों, कुछ पॉपुलर बैंक होती हैं जो कि ज़्यादातर लोग उसी में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको टोटल 10 बैंक के नाम बताऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि 10 में से आपको कौन सी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। और अगर आपका एक में बैंक अकाउंट है तो आप दूसरे में भी करवा सकते हैं, आप चाहें तो 10 बैंक अकाउंट में भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सबसे पॉपुलर बैंक के बारे में जिनमें ज़्यादा लोग अकाउंट ओपन करवाते हैं, और अगर आप ग्रामीण हैं तो आपका इनमें से किसी एक बैंक में अकाउंट हो सकता है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊंगा SBI बैंक के बारे में, दूसरे नंबर पर बताऊंगा CBI, SBI मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, CBI मतलब कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक और कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और फेडरल बैंक, और उसके बाद इंडसलैंड बैंक, ठीक है, या फिर इंड सिंध बैंक आप इसको बोलते हैं। तो दोस्तों, वो तो इनमें से आपका किसी एक में बैंक अकाउंट हो सकता है, आप कमेंट कर सकते हैं, वैसे कमेंट मत करना। अब दोस्तों, आप इधर जान सकते हैं कि इसमें से कौन सा बैंक अकाउंट सबसे ज़्यादा ब्याज देता है, तो आप जिस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं जो ब्याज ज़्यादा देता है, और आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, जो ब्याज ज़्यादा देगा आपका पैसा उसी बैंक में ज़्यादा बढ़ेगा। तो अभी सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि कौन सा बैंक ब्याज ज़्यादा दे रहा है। तो दोस्तों, अभी SBI ने अपने सेविंग अकाउंट डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट में कुछ संशोधन किया हुआ है, तो यह संशोधन 15 अक्टूबर 2022 को किया हुआ है, और मैं आपको जो भी बैंक के बारे में बताऊंगा तो सभी ने अपना चेंज किया हुआ है 2022 में ही, तो मैं आपको लेटेस्ट जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो अगर आप SBI में जमा करती हैं 50,000, 25,000, 10,000 या फिर आप 50 लाख रुपए जमा करती हैं, मतलब कि अगर आपने 10 करोड़ से कम किया हुआ है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2.70% पर N1, ठीक है, PA का मतलब पर N1, मतलब कि एक साल का इधर बता रहा है। और उसके बाद अगर आप इसमें 10 करोड़ से ज़्यादा करते हैं तो आपको 3% मिलेगा पर ईयर, ठीक है। तो दोस्तों, ये है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए ये तो है ही नहीं, ठीक है, तो आपके पास पूंजी है 5 लाख या फिर 10 लाख, ठीक है, तो आपको 2.70 ही देगा SBI पर N1। अब इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो इधर आप देख सकते हैं कि अगर आप 10 करोड़ तक कितना भी जमा करते हैं, चाहे 50,000, 25,000, तो इधर आपको SBI से थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, मतलब कि 2.90% पर N1। और अगर आप 10 करोड़ से ज़्यादा करते हैं तो आपको 3%, यानी कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, इस वाले में, अदरवाइज दोनों सेम ही हैं। और उसके बाद अगर आप इसमें नीचे जाओगे तो इधर दिया गया है, ठीक है, इधर डेबी मैटर करता है कि आप कितने दिन के लिए कर रहे हैं, अगर आप जमा कर रहे हैं सिर्फ 2 वीक के लिए तो आपको इस हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, ठीक है, ये पुराने रेट थे लेकिन अभी न्यू रेट ये है, ठीक है, संशोधन होके ये आ चुका है, ठीक है, और इधर ये भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, मैंने ये आपको जानकारी दी हुई है सेंट्रल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आप भी जाके विजिट कर सकते हैं, आप यहाँ पर ये वेबसाइट देख सकते हैं, तो अधिक जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा भी मैं आपको बता रहा हूँ तो वो जानकारी यहाँ पर दी हुई है। अब इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, तो अगर आप इसमें 1 लाख रुपये तक जमा करवाते हैं तो आपको 2.75 मिलेगा, और अगर आप 10 करोड़ तक जमा करवाते हैं तो भी आपको 2.75 ही मिलेगा, और अगर आप 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक करवाते हैं तब बढ़ेगा। तो दोस्तों, आप तो ये समझ लीजिए कि गरीब लोगों के लिए तो यही है, ठीक है, 2.75% ही बैंक ऑफ बड़ौदा आपको इंटरेस्ट देगा। तो मेरा भी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में ही है, और अब मुझे पता चल रहा है कि ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कम देता है बाकी बैंक की तुलना में। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की, तो मेरा एक अकाउंट एक्सिस बैंक में भी है, तो यहाँ पर मिलता है अगर आप 50 लाख तक जमा करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 25,000 या फिर 2 लाख जमा किया, तो इधर बाकी बैंक से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, मतलब कि 3%, ठीक है। और अगर मैं 50 लाख से और 800 करोड़ के बीच में करता हूँ
तो 3 पॉइंट तो ये तो मेरे लिए है ही नहीं, ठीक है, यानी कि इतना पैसा भैया हमारे पास अभी कहाँ है। तो 3.50% इधर मिलेगा, और अगर आप इतने से ज़्यादा करते हैं 800 करोड़ से जाके, तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको बैंक ब्रांच में जाके संपर्क करना होगा। तो इन फ्यूचर हम जाके करेंगे जब 800 करोड़ से ज़्यादा करेंगे। अच्छा तो दोस्तों कैसा लगा मजाक। अब बात करते हैं यहाँ पर कैनरा बैंक में, तो कैनरा बैंक का आप देख सकते हैं अगर आप 50 लाख से कम रुपए जमा करते हैं तो 2.90% मिल रहा है, और अगर आप 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में करते हैं तो आपको 2.90% मिल रहा है, और उसके बाद अगर आप 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से ये पैसे वालों के लिए अलग अलग ब्याज दिया गया है, लेकिन गरीब लोगों के लिए यहाँ पर भी सिर्फ 2.90% ही इंटरेस्ट मिल रहा है। अब बात करते हैं पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, तो यहाँ पर ये आपको दे रहा है, ठीक है, अगर आप 10 लाख से कम रखते हैं तो 2.70% ही दे रहा है, और अगर आप 10 लाख से ज़्यादा करते हैं तो 2.75 दे रहा है। तो कोई ज़्यादा बड़ा एहसान नहीं कर रहा, ठीक है, बहुत ही कम दे रहा है, फिर भी ये बैंक ऑफ बड़ौदा का लेवल का ही है, ठीक है, आप ऐसा मान सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन इधर बैंक ऑफ इंडिया की, तो बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप 1 लाख रुपये तक जमा करते हैं तो 2.75 मिलेगा, और अगर आप 1 लाख से ज़्यादा करते हैं तो आपको मिलेगा 2.90, और इसमें आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ इसमें इतना ही बताया गया है। तो ये भी मैं इसी की ऑफिशियल वेबसाइट से देख रहा हूँ। अब इसके बाद बात करते हैं HDFC बैंक की, तो अगर आप 50 लाख से कम करते हैं तो 3% दे रहा है, और अगर आप 50 लाख से ज़्यादा करते हैं तो आपको 3.50% दे रहा है। तो दोस्तों ये यहाँ पर सही है कि अगर आप इसमें 1 लाख भी जमा करते हैं तो आपको 3% मिलेगा। तो 3% एक HDFC दे रहा है और एक दे रहा है एक्सिस बैंक। तो दोस्तों अभी तक ये दोनों बैंक आपके लिए सही निकले हैं, थोड़ा सा ये आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे रहे हैं, और ये संशोधन हुआ है 6 अप्रैल 2022 को, ठीक है, बाकी का मैंने आपको जितना बताया है तो वो सभी ने 2022 में ही चेंजेज किए हुए हैं। और अब बात करते हैं फेडरल बैंक ऑफ इंडिया की, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है, फेडरल बैंक है, ठीक है, ऑफ इंडिया है या नहीं, तो दोस्तों वो गलती से निकल गया। अब अगर आप इसमें 5 लाख रुपए तक जमा करते हैं तो ये आपको दे रहा है 2.90%, और अगर आप 5 लाख से लेके 50 लाख तक करते हैं तो आपको ये यहाँ पर 2.90 और 2.85% दे रहा है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, रेपो रेट के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। लेकिन आप इसमें मोटा मोटा मान के लेके चलते हैं ए वाला, ठीक है, कि 2.90% दे रहा है 5 लाख तक, मतलब जितना अपना लिमिट है, उसके बाद संख्या तो इसमें और भी लिखी हुई है। अब बात करते हैं इधर इंडसलैंड बैंक की, तो दोस्तों ये यहाँ पर ब्याज आपको अच्छा खासा दे रहा है सेविंग अकाउंट पर, और यह है 18 अक्टूबर को संशोधन हुआ है, और इसमें अगर आप 1 लाख रुपए तक जमा करवाती हैं तो आपको 4% का ब्याज मिल रहा है, और अगर आप 1 लाख से लेकर 10 लाख तक जमा करवाती हैं तो आपको 5% का ब्याज दे रहा है, और अगर आप 10 लाख से मान लो 11 लाख भी कर देते हैं तो इधर आपको 6% का ब्याज मिल रहा है, और आप कितना भी करोगे तो आपको 6% का ही मिलेगा, उससे ज़्यादा ये नहीं देने वाला। लेकिन इधर एक टर्म्स एंड कंडीशन लागू होता है, तो वो आप जान सकते हैं, ठीक है, अधिक जानकारी लेने के लिए आप बैंक में संपर्क कर सकते हैं, या फिर इनकी ज़्यादा डिटेल में आपको जानना पड़ेगा तो आपको इस स्टार का मतलब समझ आ जाएगा। तो दोस्तों इंडसलैंड बैंक अभी, ये इंडसलैंड नहीं है, इंडस सिंध बैंक है। तो दोस्तों अभी तक जितने भी बैंक के बारे में बताया है तो ये इंड सिंध बैंक अभी तक का सही है। इसमें अगर आप 1 लाख रुपए भी जमा करवाते हैं तो आपका 4000 रुपए बनता है 1 साल का, लेकिन अगर आप बाकी बैंक में करवाते हैं तो इधर आपको इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा कम मिल रहा है। उसके बाद एक्सिस बैंक भी सही है, ये आपको 3% तक का ब्याज दे रहा है, और उसके बाद HDFC भी सही है। लेकिन अगर बात करें ये ज़्यादा पॉपुलर बैंक है, ठीक है, SBI तो यह है सिर्फ 2.70, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो ये भी 2.75, मतलब कि जितना ज़्यादा बैंक फेमस है, जितने ज़्यादा उसके कस्टमर हैं, उतना ही वह है इंटरेस्ट कम दे रहा है। और दोस्तों अगर बात करें इधर है SBI की, ठीक है, तो SBI अगर आप इसके पास लोन लेने के लिए जाते हैं, मतलब कि इसको आप जमा करके पैसा दे रहे हैं, तो आपको 2.70% का ब्याज दे रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आप इसके पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह है कितना गुना, ठीक है, लगभग
तीन से चार गुना पैसा ये आपसे ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तीन गुना आप मोटा मोटा समझ के चल सकते हैं। तो 8.40% आपको ब्याज देना होगा। तो आपके पैसे से ही बैंक यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं, आप अभी अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो दोस्तों इधर मैंने आपको 10 बैंक कंपेयर करके बता दिए हैं कि कौन सी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने के बेनिफिट हैं और कहां पर आपको पैसा रखना चाहिए, किस सेविंग अकाउंट में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।